हाई प्रिंट आरसीडी हम बात करने वाले ईसीएसटीटीएन रोमानिया की आज से जो नई लीग शुरू होगी, जिसका जो फर्स्ट मैच होगा जो खेले जाने वाला है बीयूजी वर्सेस एलआईओ के बीच में शुरू होगा। मैच का टाइम रहने वाला है आज 11:30 में शुरू होगा। वेदर की बात करें तो यहाँ पर मौसम थोड़ा खराब हो सकता है, बाकी अपडेट आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। वेन्यू देखें तो यहाँ पर मोरा प्लास्टिक क्रिकेट ग्राउंड बिकारेस्ट, यहाँ पर मैच शुरू होने वाला है। पिच रिपोर्ट की बात करें 8 पिक्सल विकेट है और यहाँ से एवरेज देख सकते हो आप 80 से 110 के बीच में बनने वाला है। बात कर ले सबसे पहले बीयूजी की टीम की, तो टीम की बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हो ना तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से जाके सब्सक्राइब कर लेना है, और टेलीग्राम से जुड़ना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि पिछले लीग जितनी भी हुई थी ना हमने टोटल मैचों की वीडियो आपको दी थी और काफ़ी लोगों ने हमारी टीम से ना अच्छी विनिंग की थी। तो जाइए और टेलीग्राम को ज्वाइन आपको जरूर से कर देना है। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्कशन में, दूसरा जहाँ कमेंट करते हो वहाँ पर ऊपर आपको पिन के ऊपर मिल जाएगा। तो जैसे हम आज कमेंट पर आप टेलीग्राम चैनल पहुँच जाओगे वहाँ ज्वाइन हो सब पर आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है। बात कर ले बीयूजी की टीम की, तो फर्स्ट मैच होगा तो काफ़ी बैटिंग ऑर्डर में चेंजेस देखने को मिलेंगे, तो वीडियो आपको पूरा देखना है। ओपनिंग करने आ सकते हैं मोहम्मद मोइज और सागर परेरा। मोहम्मद मोइज की बात करें 2024 में टी10 के यहाँ पर इन्होंने 6 मैच खेले, 91 रन 1 विकेट 3 ओवर डाल के। यहाँ पर इस टूर्नामेंट का T20 का है 25 3 विकेट 14 0 विकेट 7 3 विकेट 7 1 विकेट है। काफ़ी अच्छा ऑप्शन है आपके लिए क्योंकि आपको बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों देने वाला है। सागर परेरा 2023 में T10 के 12 मैच में 143 रन 35 का एवरेज है। रिसेंट होम 38 20 नौ बैटिंग 62 0 है। इरफान हुसैन T20 के 4 मैच के लिए 51 रन 12 का एवरेज 2 विकेट 10 ओवर डाल के। कैम खान की बात कर लें T20 के 10 मैच में ना 141 रन इन्होंने बनाए हैं, 4 विकेट निकाले 15 ओवर डाल के। यहाँ पर आप देख सकते हो एक चीज़ कि इनके T10 के स्कोर नहीं है क्योंकि T10 नहीं खेला है, T20 खेला है। तो आज ये इनका फर्स्ट मैच हुआ T10 का। मनप्रीत कोहली की बात करें 2024 में T10 के 13 मैच में ना 15 रन 9 विकेट 20 ओवर डाल के। रिसेंट में इनका अभी देख सकते हो आप T20 आए गए हैं, 2 विकेट 2 विकेट 5 विकेट 0 विकेट और 0 विकेट है। काफ़ी अच्छा रिसेंट में इनका, तो मौका आपको टीम में जरूर देना है। यहाँ से आता कॉस्मिन जोया की बात कर लें 2023 में T10 के 15 मैच में ना 19 विकेट है 18 ओवर डाल के। रिसेंट में 9 बैटिंग 1 विकेट है। उमेर सफी की बात करें यहाँ से 2023 में T10 के इन्होंने ना 12 मैच खेले, रन 13 ही बनाए, 3 विकेट निकाले 11 ओवर डाल के। यहाँ पर रिसेंट में इनका 9 बैटिंग 0 0 किट 0 किट और 1 विकेट है। वकास अहमद यहाँ से 2023 में T10 के इन्होंने 12 मैच में 117 रन बनाए, 6 विकेट निकाले हैं। रिसेंट में 1 विकेट 12 0 किट 22 1 विकेट और 3 विकेट है। यहाँ पर आप एक चीज़ देख सकते हो कि मेरे यहाँ पर वीडियो में ना आपको हर तरह की स्टेट देखने को मिलेंगे, जैसे यहाँ पर T10 2023 T20 और रिसेंट में, तो यहाँ से ना आपको वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलने वाली है टीम बनाने में। जैसे यहाँ से बात कर ले जैन अली की 2023 में T10 के इन्होंने 1 मैच खेला, 18 रन 18 का एवरेज है। रिसेंट में यहाँ पर देख सकते हो आप 6 9 बैटिंग 1 विकेट 1 विकेट और 18 रन हैं। लुक पैट्री की बात करें 2024 में इन्होंने T10 के 7 मैच खेले, 9 रन 0 विकेट है। रिसेंट में इनका काफ़ी डाउन है। यहाँ से आ जाता है राणा की बात करें T20 के 5 मैच में 5 विकेट 14 ओवर डाल के। बात कर ले बेंच की, बेंच में जैसे यहाँ से ना नाहिद हुसैन आ जाते हैं T10 के 7 मैच के लिए 82 रन 2 विकेट हैं। रिसेंट में 0 विकेट 33 0 विकेट 21 0 विकेट और 1 विकेट है। सुदीप ठाकुर T10 के यहाँ पर इन्होंने 4 मैच के लिए 0 विकेट है, T20 के 6 मैच में 107 रन 3 विकेट है। रिसेंट में 4 और 9 बैठे हैं। साकिब नजमोस की बात कर लें T20 के 7 मैच में ना 10 विकेट है 24 ओवर डाल के, यानी बैटिंग इनकी डाउन है बट आपको बॉलिंग अच्छी देगा। बात करें दो प्लेयर की जिनके स्टेट्स अवेलेबल नहीं है, देख लेते हैं स्टार्टिंग और डेथिंग ओवर। स्टार्टिंग के ओवर डाले जाएंगे यहाँ से एम मुइज, जेड अली। डेथ के ओवर डाले जाएंगे यहाँ से डब्ल्यू अहमद, एम कोहली। जो डेथ में बॉलिंग करेगा वो हमेशा आपके लिमिनेट रहने वाले। बात करें दूसरी LIO की, तो ओपनिंग करने आ सकते हैं यहाँ से दर्शना और या विस्का एरोसन। दर्शना की बात करें T20 के 6 मैच में 99 रन हैं। अविष्का के T20 के 7 मैच खेले, 256 रन बनाए, 8 विकेट इन्होंने निकाले हैं। यहाँ से थरेंदु की बात करें T20 के 6 मैच खेली, यहाँ से 57 रन बनाए इन्होंने, 0 विकेट 1 ओवर डाल के। यहाँ से आता है तिलना की बात कर लें T10 के 5 मैच खेले हैं, यहाँ पर 98 रन 3 विकेट 5 ओवर डाल के। रिसेंट में इनका काफ़ी सुपर है, 21 1 विकेट 9 बैटिंग 36 2 विकेट 40 0 विकेट है। आसोदा की बात करें T20 के 5 मैच में ना 10 विकेट 15 ओवर डाल के। कसुन दीपल की बात करें T20 के 6 मैच में 11 रन। लहरू संजीवा T20 के 6 मैच में 3 विकेट। इसरो चमारा की बात करें T10 के 1 मैच खेले 0 रन ही इनके नाम है। रिसेंट में भी इनका 0 रन है।
अजित इंदुलिन की बात करें T20 के 6 मैच में 6 विकेट 17 ओवर डाल के, लहरू प्रेंडो की बात करें T10 के 1 मैच में 9 नॉट बैट हैं, गायल की बात करें यहाँ से T20 के इन्होंने 2 मैच के लिए 3 रन बनाए हैं। बात कर लें बेंच की, बेंच में जैसे यहाँ से ना रोमिनिक आ जाते हैं T10 के 3 मैच में 0 विकेट है, दिनुजा यहाँ से T20 के 6 मैच में 11 विकेट 20 ओवर डाल के, लेरू रंगना की बात करें T20 के 3 मैच में 0 विकेट है, मलिंदा पति राना की बात करें T20 के 2 मैच में 0 विकेट है, चनका पेरेंडो T20 के 3 मैच में 15 रन है। बात कर लें यहाँ से स्टार्टिंग ओवर देते हैं ओवर की, स्टार्टिंग के ओवर डालेंगे यहाँ से आ जाते हैं अजीत और यहाँ से अविष्का और यहाँ से आ जाते हैं उडीहा, डेथ के ओवर डालेंगे यहाँ से थिलना और यहाँ से अजीत और लहरू संजीवा, जो डेथ में बॉलिंग करेगा ना वो हमेशा आपके लिमिटेड रहने वाले हैं। तो यहाँ पर वीडियो का एनालिसिस वाला पार्ट चुका है कंप्लीट, चलते हैं अपने डेमो टीम की तरफ। डेमो टीम की तरफ जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो ना तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से जाके सब्सक्राइब कर लेना है, और टेलीग्राम से जुड़ना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि वहाँ पर ही आपको अपटोस फाइनल टीम और प्लेइंग 11 मिलने वाली हैं। तो यहाँ पर हम ज़्यादा टाइम नहीं, चलते अपने डेमो टीम की तरफ। तो यहाँ पर मैं अपने डेमो टीम में रखने वाला विकेट के पास सेक्शन से देख सकते हो एस परेरा को, और बैटिंग सेक्शन से एच जैन आई, यहाँ से एच अमीरा, यहाँ से टी थनीकरा को, ऑलराउंड सेक्शन से डब्लू अहमद, टी जय सक्रे और यहाँ से एम मुईज हेल्प रेंडो को, बॉलिंग सेक्शन से एम कोहली, यहाँ से सी जुआ और यहाँ से ए इन डोल को, कैप्टन करूँगा डब्लू अहमद को, वाइस कैप्टन करूँगा टी जय सक्रे को, बट ये मेरी फाइनल टीम बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ मेरी डेमो टीम है। फाइनल टीम आपको बैटिंग ऑर्डर आने के बाद में ही दे पाऊंगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो ना तो आपको लेट नहीं होना है, आपको जरूर से जाके हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है क्योंकि पिछली लीग में काफ़ी लोगों ने हमारी टीम से अच्छी विनिंग की थी। तो जरूर जाना है, टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, दूसरे जहाँ कमेंट करते हो ना वहाँ पर ऊपर ही आपको पिन के ऊपर मिल जाएगा, तो जैसे हमारे कमेंट पर क्लिक आप टेलीग्राम चैनल पहुँच जाओगे वहाँ ज्वाइन हो सब, क्लिक आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। धन्यवाद आपको हमारी वीडियो देखने के लिए।